नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। अंबेडकर चेतना परिषद डेढ़ गांव ने मनीषा को न्याय दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च। रिपोर्टर चारुधाम मिश्रा। दावत प्रखंड के डेढ़ गांव में बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए अंबेडकर चेतना परिषद ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया। कैंडल मार्च के दौरान टीपू सुल्तान ने बताया कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में बहुत ही निर्मम तरीके से बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप किया गया, जीभ काटी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते अंतोगत्वा मनीषा जिंदगी से जंग हार गई। मृत्यु के बाद भी मनीषा के माता पिता को उसका शव लाश नहीं दिया जाता है। उसकी माँ चीखती चिल्लाती रह गई, मेरी एक ही बेटी थी, मैं अपनी बेटी को हल्दी लगाकर नए कपड़े पहनाकर विदाई करती क्योंकि मेरी कोई और दूसरी बेटी नहीं थी, किंतु फिर भी प्रशासन के द्वारा हम लोगों के बिन जानकारी के ही हमारी बेटी का दाह संस्कार कर दिया जाता है। फिर भी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु यह बेटी के साथ कैसा अन्याय हो रही है। यह कैसा रामराज्य है जहां बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। लोगों ने बहन मनीषा को न्याय दो न्याय दो, उत्तर प्रदेश पुलिस हाय हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। अंबेडकर चेतना परिषद के लोगों कहना है कि जब तक बहन मनीषा के दोषियों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आयोजित कैंडल मार्च में चांद खान, राहुल कुमार, पप्पू यादव, अमित कश्यप, राजकुमार कैश, मिराज, नीलम कुमार पासवान, सोनू निगम, चंदन पासवान, प्रशांत कुमार, चंद्रशेखर प्रसाद, गलहोत, नितिन मुकेश सहित कई समाजसेवी व बुद्धिजीवी लोग शामिल थे। 14 वर्षीय नाबालिग जिसका बुरी तरह से चार ठाकुरों ने बलात्कार किया, बलात्कारियों के अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना पुलिस प्रशासन यूपी सरकार का कुछ कर रही है। यहाँ तक से यूपी पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि क्या किया गया है। बलात्कार करके यूपी सरकार का, योगी सरकार का पुलिस प्रशासन जबरदस्ती हिंदू समाज के रीति रिवाज से किसी भी 12 बजे रात में कोई भी बॉडी के नहीं जलाया जाता है, जबकि जबरदस्ती घर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर घर में परिजनों को बंद करके मनीषा को जबरदस्ती पेट्रोल डालकर मनीषा को पुलिस प्रशासन ने जला दिया। मनीषा के परिजनों ने बार बार बोलते रह गया कि हम मनीषा को अपना एक बार चेहरा देखना चाह रहे हैं, कोई गार्जियन को कुछ नहीं कर पाया। पुलिस प्रशासन के डीएम जब बॉडी जल जाती है तो डीएम मनीषा के परिजनों से मिलने जा रहे हैं। उनके कहना है कि आप सरकार को बात मान ले, अन्यथा जितना आपके पास मीडिया है वो भी थोड़े थोड़े चुप हो जाओगे, इसके बाद आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक नाबालिग लड़की थी, एक सवर्ण खानदानों के नहीं थी। दूसरा बात आप मान सकते हैं, अभी पिछले ही दिनों में सुशांत का मर्डर हुआ था, इस पर सीबीआई जांच से लेकर सारे सरकार, सारे नेता, सारे मुख्यमंत्री सारे तबाह थे, लेकिन मनीषा पर अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं हो गया, अभी तक से कोई सूचना नहीं मिला। मनीषा बेचारी मार कर बलात्कार कर उसको जीभ काट दिया जाता है, 16 वर्षीय नाबालिग का, ऊपर से उसका रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया जाता है। 15 दिन हॉस्पिटल में मनीषा को कहते देखकर हमारे आज पूरे देश में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पूरे देश में हमारे पूरे मार्च किया गया है। हमारे डेढ़गांव गांव में हमारे मनीषा बहन को सारे के सारे मिलकर हम लोग सारे इकट्ठे हुए, इसके लिए बहुत बहुत खुशखबरी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा को हम लोग को न्याय दिलाना है। मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा को जल्द से जल्द न्याय चाहिए।